बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुजम्मिल एजाज और मुजम्मिल एजाज डॉट कॉम में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम किस तरह से कोई भी यूट्यूब की वीडियो विदाउट एनी कॉपीराइट इशू अपलोड कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ है कि जब भी वो वीडियो अपलोड करते हैं ऑडियो का इशू आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। मैं आपको बताता हूं कि हम किस तरह से इस तरह अपलोड कर सकते हैं, और ये पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूं और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है इस मेथड को यूज़ करने के बाद, आप मुझे फेसबुक पे बता सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत से मेथड हैं जिनमें से मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। पहले नंबर पे आपके पास एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, उसमें लोगो लगा हो, अच्छा हो, सही प्रॉपर चैनल बना हो। दूसरे नंबर पे आपको लोगो चाहिए। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो लोगो किस तरह से हासिल करेंगे। लोगो यूज़ कर बनाने के लिए अपना लोगो आप बना सकते हैं। इसके लिए सो थिंक एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप लोगो बना सकते हैं। सो थिंक लोगो मेकर है, यहाँ से आप अपनी यूट्यूब चैनल के मुताबिक कोई भी अच्छा सा लोगो ले सकते हैं। फर्स्ट किया कि मैं यहाँ से ये वाला लोगो ले लेता हूँ, और इसे आपने सेव एज कर देना है। यहाँ से एडिटिंग करने के बाद आपने एक्सपोर्ट इमेज कर देना है, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे और सेव हो जाएगा। आप का लोगो भी रेडी हो गया। इसके बाद आपको एक प्रोमो वीडियो बनानी पड़ेगी। प्रोमो वीडियो से मुराद जिस तरह के मेरे पास वीडियोस हैं, जिस तरह के मेरी एक वीडियो चलती है सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोमो और ये टीचर स्टूडियो में, तो इस तरह की आप वीडियो खुद बना सकते हैं। वो किस तरह आप बना सकते हैं, आपको आपने जो लोगो बनाना है वो आपने सिंपल यहाँ पे आकर इंपोर्ट कर देना है। कैम टीचर स्टूडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको भी कैम टीचर स्टूडियो ही यूज़ करना पड़ेगा। और आई थिंक सो के कैम टीशा स्टूडियो फर्स्ट क्या के यही लोगो है, इसका मैं प्रोमो बनाना चाहता हूँ। ऐड टू टाइम लाइन किया, इसका पीछे से जो कलर है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो। और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर वाइट करना चाहते हैं तो वाइट, यहाँ से आप ये सिलेक्ट करेंगे क्रिएट फॉर यूट्यूब, और ये यहाँ से आप सिंपल इफेक्ट डाल दें, कोई सा भी इफेक्ट डाल दें इसके अंदर, इमेज को सिलेक्ट करके थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी इस तरह पीछे से कोई भी नेट से ऑडियो उठाकर लगा दें तो आपका प्रोमो रेडी हो गया। अब ये आपका प्रोमो भी रेडी हो गया, कैम टीशे भी आपके पास है, और भी वीडियो सोर्सेस आप वीडियो किधर से लेंगे, तो जो कि वीडियो आप कहाँ से लेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप यूज़ करेंगे गूगल पे जाके लिखेंगे वीडियो मिंग, वीडियो नाइंस, ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आप HD सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो मिंग यूज़ करता हूँ, आप भी वीडियो मिंग यूज़ कर सकते हैं। ओपन हो रहा है, तो यहाँ से आप जो भी कैटेगरीज में जाना चाहते हैं चले जाएं और वीडियो डाउनलोड कर लें। बहुत ही आसान चीज़ है और HD में आपको मिलेंगी। इसके बाद वो वीडियो आप कैम्प्टीशे स्टूडियो में डालें। कैम्प्टीशे स्टूडियो में डालते हैं,
फर्ज किया कि ये वीडियो है मेरे पास, मैंने इसे डाली और यहाँ तक इसे फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो मेरे पास आपने जो प्रोमो रेडी किया होना है उसे आपने अलग एक्सपोर्ट कर लेना है। और ये रहा प्रोमो मेरा, ठीक है जी। प्रोमो काफ़ी लंबा है, आपने तकरीबन 5-6 सेकंड वीडियो के स्टार्ट में प्रोमो यूज़ करना है। ये प्रोमो चलेगा, इसके बाद आपकी ये वीडियो चलेगी, तो आपने यहाँ से थोड़ा एडिट करके इसे बड़ा कर देना है। याद रखेंगे यहाँ पे जो सेटिंग होगी वो होनी चाहिए ग्रेटेस्ट फॉर यूट्यूब, ओके, ठीक है। तो ये आ गया। अभी यहाँ पे देखें कि एक प्रॉब्लम आ रही है कि व्हाट्सएप जर्स वगैरह ये, लेकिन किसी और वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है व्हाट्सएप जर्स से, तो आप यहाँ पे ऐसे इफेक्ट डाल सकते हैं ब्लर का। तो ब्लर का इफेक्ट डालते हैं और इस तरह ब्लर करके आप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी वीडियो इस तरह रेडी हो जाएगी। और एक और जो चीज़ रह गई है वो है ऑडियो। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से देखें, इस पर क्लिक रखता हूँ और यहाँ पे देखें 100% है ऑडियो की, तो यहाँ से आपने इंक्रीज करके 150 तक कर देनी है। 150 कर दें, 200 कर दें। अगर आप इनेबल नॉइस रिमूवर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सपोर्ट पे जाएं, इसको हम करेंगे। इसके बाद जो स्टेप होगा वो हम करेंगे प्रोडक्ट एंड शेयर का। प्रोडक्ट एंड शेयर पे करने के बाद आप यहाँ से ऐड न्यू करेंगे और न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ से MP4 स्मार्ट प्लेयर नेक्स्ट या पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं, एंड डेमो दे देते हैं, सॉरी कोई बात नहीं। तो आपने नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसके बाद नेक्स्ट किया। यहाँ से आपने जो लोगो बनाना है इंक्लूड वाटर मार्क करके आपने यहाँ पे सेट कर देना है, सेट करके ओके और फिनिश। अभी आप देखें कि आप कि ये डेमो है यहाँ पे आ गई है। जब भी आपने वीडियो को प्रोडक्ट करना है तो डेमो पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट 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 करना है और फिनिश करेंगे तो आपकी वीडियो इस पाथ में सेव हो जाएगी और आप YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, वो भी किसी कॉपीराइट के इशू के बगैर। अभी आपने एक और भी काम करना है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जिस तरह उसके वीडियो अगर है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ से दिस पीसी और यहाँ से मैं चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट में, कैम्प्टिशिया में, यहाँ से गूगल एडसेंस के या जो वीडियो बनी हुई, आपने जो टाइटल यहाँ पे लिखा होना है आपने लिख कर इसे प्रॉपर्टीज़ में चला जाना है। यहाँ से डिटेल में चला जाना है, यहाँ पे भी आपने वही लिख देना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। फिर आपने करनी है अपलोड। थोड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये एरर नहीं आएगा और आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। और प्रोमो तकरीबन 5-6 सेकंड का आप चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और जमा में कोई क्वेश्चन आ रहा है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतरीन हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।